कोरोना संकट के कारण टीजीटी के सभी पदों की भर्ती प्रक्रिया थम गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार के निर्णय अनुसार टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल की भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है। इस संदर्भ में विभिन्न अभ्यर्थियों के लिए 6 और 7 अक्टूबर को साक्षात्कार लिए जाएंगे तथा उनको साक्षात्कार पत्र भी जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन कोरोना संकट के कारण यह प्रक्रिया रुक गई थी। लेकिन स्कूलों में अध्यापकों की मांग को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बैच वाइज भर्ती के आदेश जारी कर दिए हैं। वार्ड ऑफ एक्सर्विस मैन का जो है 28-29-30 को जो है काउंसलिंग रखी गई है, उसमें 28 तारीख को आर्ट्स टीजीटी आर्ट्स की है, 29 को टीजीटी नॉन मेडिकल की है और 30 को टीजीटी मेडिकल्स की है। आर्ट्स में है उनका जो है बैच रहा है दो अनरिजर्व के लिए 2003 तक के बुलाए गए हैं, टीजीटी मेडिकल के 2004 के तक के हैं और टीजीटी नॉन इसके जो हैं मेडिकल के 2009 तक के बुलाए हैं जनरल जो हैं, और जो अपने एससी हैं वो 2006 तक टीजीटी आर्ट्स हैं, 2008 तक के जो हैं टीजीटी नॉन मेडिकल हैं और 2017 तक के जो हैं वो टीजीटी मेडिकल को जो है बुलाया गया है। एसटी के 2011 तक जो हैं आर्ट्स के, 2019 तक के जो हैं वो मेडिकल के और 2019 तक के ही नॉन मेडिकल के कैंडिडेट्स को जो है कॉल लेटर भेजा गया। अक्टूबर में टीजीटी जो जनरल है इसमें जो है 5 तारीख को, 6 तारीख को और 7 तारीख को काउंसलिंग रखी गई है। 5 तारीख को जो है आर्ट्स वालों की है, 6 को जो है वो मेडिकल नॉन मेडिकल की है और 7 को मेडिकल की है। उसमें जो है लगभग 300 जो कैंडिडेट हैं वो आर्ट्स में, मेडिकल में नॉन मेडिकल में 107 कैंडिडेट हैं और नॉन मेडिकल में 100 कैंडिडेट। तो इनको 3 अलग अलग डेटें इसलिए दी गई हैं ताकि जो है कोरोना की वजह से हमारे जो नॉर्म्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग का है, सैनिटाइजेशन का है, इसको जो है प्रॉपर किया जाए। हमीरपुर से सुरेंद्र कटोच की रिपोर्ट।